नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर वन डिबेट शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराकर क्या कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती कर दी? क्या तुष्टिकरण और वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस को राम के अपमान से भी परहेज नहीं है? सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या न्योता ठुकराकर कांग्रेस ने हिंदू और सनातन का अपमान कर दिया? दरअसल कल कांग्रेस ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से भेजे गए प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को ठुकरा दिया और 22 जनवरी को समारोह में शामिल ना होने का फैसला किया। कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस पर राम के नाम पर सियासत करने का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी और संत समाज ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है। क्या चंद वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी, जो एक बड़ा तबका है वोट बैंक का, उससे अलग रहना चाहती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु, अयोध्या से हमारे साथ होंगे। लोकेश जिंदल कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और तारिक अहमद लारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन तस्वीरों की अगर बात करें तो सोचिए कि ये भक्ति रस जिसमें तमाम लोग जो है वो डूबे हुए हैं, और कुछ लोगों को मौका मिला कि वो भी इस भक्ति रस में डूबे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हैं हमारे साथ। मैं शुरुआत लोकेश जिंदल जी आप ही से करता हूं। आपने दिल तोड़ दिया सर, ये बात प्रमोद कृष्णम भी कह रहे हैं, ये बात कई आपके दूसरे नेता भी उठकर कहने लगे कि साहब आप लोगों ने दिल तोड़ दिया ये सियासत करके। दिल तो प्रत्येक हिंदू का टूटता है, उन चार शंकराचार्य जी उनका भी दिल टूटा है जो कह रहे हैं कि अभी मंदिर अधूरा है, अभी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के अनुसार कीजिए, इस तरह से इसका राजनीतिकरण न कीजिए। हम सब भी भक्त है, बचपन से लेके आज तक हमने अपना मन, अपना आचरण भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर किया है। हम भी उतने ही हिंदू हैं, हमारे भी श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 17 अप्रैल को जहां राम नवमी का त्योहार है, तब तक ये मंदिर की पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सुंदर भव्य उत्सव द्वारा भी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। नहीं, लेकिन आगे चुनाव है, इस बात के कारण इतनी जल्दबाजी। मुझे लोकेश भाई एक बात बताएंगे, आप चूंकि आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त अपने आप को खुद स्वीकार करते हैं, अच्छा लगता है ये। मुझे एक बात बताएंगे, जब प्रभु श्री राम तिरपाल में बैठे थे तो पूजा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे आप? देखिए, प्रभु श्री राम आज भव्य मंदिर बन गया, तो आपको उसके अधूरे और पूर्ण होने का इंतजार है। जब तिरपाल में बैठे थे तो आप ही लोग काल्पनिक बताते थे और उसको रोड़ा अटकाने का काम करते थे। नहीं नहीं, देखिए, हमने तो कभी भी मंदिर बनाने के लिए हमने तो जो प्रयत्न हो सके हमारी तरफ से किए। राजस्थान सरकार ने गुलाबी पत्थर के ऊपर इलीगल माइनिंग हो रखी थी, लेकिन फिर भी मेक श्योर किया कि किसी भी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। सारे के सारे पत्थर जो है उनके पूरे क्लियरेंसेस इमीडिएटली दिए गए थे अशोक गहलोत द्वारा, और पूरे के पूरे पत्थर जो है हर चीज की सुविधा दी गई थी। ऐसा किसी भी प्रकार का ना शासन ना प्रशासन द्वारा कोई भी, हमने तो ये शो किया कि भाई हमने तो मतलब ये भी पत्थर देंगे, आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर बात ये लबुलवा भी है। 22 मैं आपको जब देखिए गर्भगृह के इर्द गिर्द जो पूरे मंदिर का निर्माण होता है, ये एक सूक्ष्म ब्रह्मांड होता है जिसका निर्माण किया जाता है। अब उसके बहुत सारे अमलक से लेके शिखर से लेके मंडप, अर्ध मंडप, गर्भगृह, इन सब की अपनी एक अलग महत्वता होती है, और ये पूरे महत्वता के बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लोकेश भाई आप सही कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है, और जो चार शंकराचार्यों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें कोटि कोटि नमन, वो धर्म के ज्ञाता है। लेकिन इस वक्त जो मंदिर के ट्रस्टी सारे कामकाज देख रहे हैं, उनके साथ कई सारे विद्वान है सर, उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, उन्होंने उसके हिसाब से सारी चीजें तय की। मैं आ रहा हूं आपके पास, अवनिजेश जी को जवाब देना चाह रहे थे, अवनिजेश जी को जवाब देना चाह रहे थे, मैं उनका रुख करता हूं, फिर उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के पास। लोकेश भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, देखिए वक्त लिमिटेड होता है, बात पूरी होने दीजिए। अच्छा कर लीजिए 10 सेकंड में, फिर अवनिजेश के पास। लोकेश बात सुनो, लोकेश बात तो सुन लो, लोकेश जी अवनिजेश जी मैं 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, प्लीज 10 सेकंड में, फिर उसके बाद अपनी जी तो चार शंकराचार्य जी ने इसका विरोध क्यों किया, मेरे को इस बात का उत्तर दे दीजिए बस। ठीक है, अपनी जी प्लीज हो गया। लोकेश इस बात का जवाब तो कल हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तुम्हें इस शो में दे दिया था, उसके बावजूद बोले जा रहे हो कि हो सकता है। भाई लोकेश बीच में नहीं बोलना बिल्कुल, पहली बात ये जो पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूं। भैया बात तो सुनो, बीच में नहीं बोलने का ना,
बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपने अपनी बात कहके सुनो। अरे भैया सुन तो लो, पहले पूरी बात तो सुन लो जी। बोलिए बोलेंगे आप तो। ये कोई ऑब्जेक्टिव, ये कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मैं। हाँ या ना? नहीं तो मैं भी आप बात बड़ी साफ सी, बात बड़ी साफ सी है कि ये बात खुद ये लोग भी मानते हैं, खुद लोग मानते हैं, और तमाम ये लोग, दुर्योधन भी कहता था कि मुझे मालूम है कि धर्म क्या है लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं उस तरफ। ये तो जिसको ईश्वर की कृपा, राम जी की कृपा है, जा ही वही सकता है। निमंत्रण चाहे जितने मर्जी मिल जाए, राम की कृपा नहीं है, उनकी इच्छा के बिना वहां अयोध्या की नगरी के आसपास भी कोई नहीं जा सकता। तो मनी मति वैसी कर देता है राम जी ने, मति और बुद्धि वैसी कर दी। शबरी के लिए भी बोलते थे लेकिन शबरी के घर तो गए ना भगवान राम। ये भगवान राम तो शबरी के घर खुद चले गए। अभी अनुराग जी से उसे जाना नहीं पड़ा। नहीं है ये, आप सुनिए अपनी जयेश जी, ये आपके जो विचार है इससे बेहतर होंगे। ये जो अज्ञान का पर्दा आपने अपने जीवन में डाल रखा है इसको हटाने का केवल यही माध्यम है। अच्छा लोकेश भाई प्लीज, आप अनइंटरप्टेड बोले ना। किसको बुला रहा है यार? लोकेश भाई प्लीज प्लीज, किसको लेके आए? नहीं नहीं अपनी जी, मैं करवा रहा हूँ, एक मिनट। लोकेश भाई आप अनइंटरप्टेड बोले ना, प्लीज बोल लेने दीजिए। अब नीचे जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं दूसरा मेहमान नहीं, नहीं, 20 सेकंड का इसके जवाब दूंगा मैं लोकेश जी। प्लीज प्लीज, आज गर्भगृह मंडप सिंह द्वार ये सारे याद आ गए। 2019 में कह रहे थे कि चुनाव से पहले सुनवाई ना हो, इनको ये ऐसा भ्रम था कि हम आ जाएंगे तो मंदिर बनवाना रुकवा देंगे ताकि फैसला ही ना आए। ये सब वो लोग हैं जो फिर मुहूर्त पे इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। आज तक राम मंदिर के निर्माण में किसी भी बात का इन्होंने समर्थन किया नहीं किया, कर भी नहीं सकते क्योंकि राम जी की कृपा नहीं है इन पर। और बात बड़ी साफ सी है, बात बड़ी साफ सी है, मैं आपको बता दूं, पहले प्राण यहाँ तो इतना बड़ा मंदिर बना है, वरना सामान्यतः राम प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद फिर मंदिर बनना शुरू होता है और मंदिर फैलता जाता है। ठीक है अवनीश जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ आपके पास। रहो वही करो जी, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगता है कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित कार्यक्रम है, इसीलिए हम जो है इस राजनीतिक बनाए जा रहे हैं, इस धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। नहीं, आरोप लगाता कौन है अनुराग जी, वो अगर हम समझ जाएंगे तो समझ आ जाएगा कि आरोप में भी कितना दम है। जो लोग बहाने ढूंढ रहे हैं ऐसे ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा ना बनने के लिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। छोड़ दीजिए बीजेपी और आरएसएस को, 500 साल की यात्रा पूरी होने जा रही है, रामलला टेंट से अपने घर में मंदिर में वापस लौट रहे हैं, आपको निमंत्रण चाहिए आने के लिए? अरे निमंत्रण भी छोड़िए, आपको वैसे ही आना चाहिए था। और आपके व्यूअर से मैं पूछना चाहता हूं अनुराग जी, आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को भी अगर निमंत्रण मिलेगा, कौन सा इस देश में आस्थावान हिंदू है जो कहेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा? लोग उछल उछल के जाना चाह रहे हैं, और यहां पर ये कांग्रेस पार्टी है जो 20 दिन लगभग 14-15 दिन से तो नफा नुकसान गिन रही थी। 14-14 दिन से इनविटेशन इनकी टेबल पे रखे थे और नफा नुकसान गिनने लग रहे थे। जाने में फायदा है, नए जाने में फायदा है, तुष्टिकरण करेंगे तो क्या बेहतर रहेगा। और अंततः गतवा जो ये इतने वर्षों से करते आए, जिस इतिहास की जिस तरफ ये खड़े रहे, आज भी ये वहीं खड़े रहना। नहीं तो इसकी मजबूरी क्या? ये मानते हैं कि एक वर्ग के कट्टर सिद्धार्थ यादव जी, कुछ दिन पहले तक तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि देखिए साहब हमको तो न्योता नहीं भेज रहे, न्योता गया तो कह रहे हम नहीं जाएंगे। तो मजबूरी क्या है कि ये नहीं जाना चाहते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी तो अपने आप को जनेऊ दिखाकर सनातनी बताने की कोशिश करते हैं, हिंदू बताने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी, न्योता मिलता है तो आराम से बैर कर लेते हैं, बताने की कोशिश करते हैं और है क्या वास्तव में? ये तो इतिहास ऐसे क्षणों पर ही तो तय करेगा। आज जो इतना ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्षण है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टिकरण के लिए ये तय करती है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो चाहे कोई भी बहाना बना ले, मैं मानता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इसको देख रहा है, क्योंकि जी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से जितनी भी बातें कही जा रही है जगतगुरु राम दिनेश जी, उनमें एक बात और है जो उन शंकराचार्यों को आधार बनाकर कही जा रही है कि जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। अगर थोड़ा आप वैदिक धर्म के हिसाब से समझा दें कि क्या कांग्रेस का विरोध उस स्तर पर कहीं टिकता है? ये जो सब हो रहा है केवल राजनीति से प्रेरित लोग हैं, और जो लोग कहते हैं कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, वो तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। जब लोग हल्फनामा दे करके राम मंदिर को रातों रात सुनवाई रुकवाने की बात करते थे, कहते थे कि चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय राम मंदिर का सुनवाई नहीं होगा, देश में हर समय चुनाव चलता ही रहता है ना किसी प्रकार के, तो शुरू से ही राम जी के विरोधी रहे हैं, तो अब राम मंदिर बन गया है उसका निमंत्रण प्राप्त करने के बाद भी ये आ जाएंगे, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जो लोग पहले से हैं, रही शंकराचार्य जी की बात,
तो शंकराचार्य जी ने उस समय बात क्यों नहीं कहा था जब हलफनामा लगा करके राम मंदिर के लिए सुनवाई रोकने की बात हो रही थी? उस समय क्यों नहीं कहा था जब राम सेतु को काल्पनिक बनाया जाता था, तब वो शंकराचार्य ने खड़े होकर के राम संकल्प की जो यात्रा उन्होंने निकाली थी और जो उससे चंदा आया था, वो चंदा कहाँ चला गया, उसका कौन जवाब देगा? तो मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के समय ऐसी किसी प्रकार से बात करनी चाहिए। और ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं तो सोच ही रहे थे कि कोई आग सुलगे, कहीं ना कहीं से प्रारंभ हो तो उसमें हम हवन करने का मौका पा जाए। अब शंकराचार्य जी ने कोई बात कह दिया तो उसको लेकर के उसी का आधार बना करके ये लोग ऐसी बात करने लगे। 500 वर्षों के बाद इतने राम भक्तों को गोलियां लगी, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया जी, और प्राणों की आहुति देने के बाद आज मंदिर बन रहा है। विपक्षी कांग्रेसियों का केवल मात्र इतना मानना है कि वो राम जी का, मोदी जी का विरोध करते करते राम जी का विरोध करने लगा। ये बात भूल जाते हैं, त्रिवेदी ने भी कही कि आप मोदी विरोध में इतना आगे बढ़ गए कि भगवान का विरोध करने लगे। मैं आ रहा हूँ सर, इसके बाद मैं डिबेट खोलूंगा तो मैं आऊंगा आपके पास बहुत जल्दी से नारी साहब। लेकिन अब अलग अलग बहाने हैं विरोध करने के, अलग अलग बहाने। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐरे वगैरह से न्योता नहीं लेते। अरे साहब, रामकाज में ये देखा जाता है कि न्योता कौन दे रहा है या ये देखा जाता है कि प्रभु श्री राम का रामकाज कैसे पूरा हो? देखिए, पहली बात एक बात समझिएगा, एक आचार्य अवधेश जी हैं जो शाक्त है, वो वैष्णव लोगों के साथ उनका नहीं रहता है और उनके करोड़ों भक्त है जी। तो जो राम जी को मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राम जी किसकी पूजा करते थे? भगवान शिव की, भगवान शंकर की। भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं? माता रानी की। अब माता रानी और भगवान शंकर को आपने बना दिया राम जी के मंदिर के द्वारपाल, तो करोड़ों लोग तो जो उनके भक्त है, वो करोड़ों लोग तो वो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा ना कहिए कि 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान के आ रहे हैं और विदेशों से आ रहे हैं, ऐसा ना कहिए। हाँ। क्योंकि शाक्त और वैष्णव की कभी पटी नहीं आपस में। हाँ। तो इस बात को ध्यान रखिए। बात सुन लीजिए, आपने कहा है, आप कहते हैं राहुल जी, भाई बात सुन लीजिए, आप कहते हैं कि राहुल जी शंकर जी के भगवान जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो वो शाक्त है। तो शाक्त लोगों को आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो वैष्णव के साथ बैठे? ये उम्मीद बिल्कुल ना पालिए। वो गेहुआ मास्क नहीं पहनता। तो अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शाक्त और वैष्णव साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए अखिलेश यादव नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाक्त और वैष्णव हमेशा कभी साथ नहीं बैठे हैं और शाक्त के सामने वैष्णव भी कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम आप मुझसे नहीं, आप आचार्य अवधेश जी से बात करिए और जो लाल कपड़धारी है उनसे बात करिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से आऊंगा पॉलिटिकल बातें करने के लिए। अब दिनेश जी, मैं आपके पास बस अगला ही आ रहा हूं, मैं इस पर जवाब देना चाह रहे राम दिनेश जी, प्लीज। काट दिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि सेव वैष्णव और शाक्त 13 अखाड़े एक साथ कुंभ में बैठते हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों के तिलक, हम लोगों के चंदन, हम लोगों की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पर विचारधारा कभी अलग नहीं होती है। जब राम मंदिर की बात है, चाहे वो काशी की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि की बात हो, 13 अखाड़े हमारे यहाँ है। सेव वैष्णव, मेरा फोन कट गया था, कैच हुआ, फिर से मैं पूरी बात कर लूं। मेरा कहानी यह है कि सारे साधु महात्मा एक साथ होते हैं और रामचरितमानस पढ़े लिखे हैं तो मेरी बात सुनिए। रामचरितमानस में लिखा है शिव द्रोही ममतास कहावा, सो नर मन सपने उहि भावा का। भगवान राम राम जी हनुमान राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं, ये वैष्णव विभूषण का राग मत लीजिए। ठीक है, ठीक है सर, हम लोग धर्म के ज्यादा टेक्निकलिटीज में चले गए। हिंदू सिर्फ इतना समझता है कि उसके भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वो वहाँ पर पूजा करता है। और ठीक है, आप लाली साहब, आप बहुत सारी तकनीकी चीजों को धर्म के आधार पर पढ़कर बैठे हुए, लेकिन वहाँ पर कई सारे विद्वान जो है वो उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट। मैं अग्निजेश जी, मैं इसके पॉलिटिकल एंगल को समझने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव, एक मिनट बिना पढ़े लिखे, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट, लाली साहब एक मिनट, प्लीज, लाली साहब एक मिनट, लाली साहब, हो गया, आपके धर्म के ज्ञान को उन्होंने बता दिया, ठीक है, ओके, लाली साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अवनिजेश जी, मैं आपके पास आता हूँ। अवनिजेश जी, मुझे ये बताइए,
कि जो राजनीतिक पार्टी के नेता जो चुनाव में सबसे बड़ा फेस होते हैं वो कभी जाकर जनेऊ दिखाते हैं और फिर उसके बाद जब मौका अगर राम मंदिर के इनॉग्रेशन का होता है तो वो जाकर कह देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो ये कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या वो 15% वाली थ्योरी जिसे भारतीय जनता पार्टी समझाने की कोशिश करती है, क्या उसी फेर में कांग्रेस पार्टी उलझ गई? अमन को इनके आवाज तो बंद कर अमन बिल्कुल अनुराग जी बात बड़ी साफ सी है जिसमें हुआ क्या कि कांग्रेस ने वेट किया कि अगर अखिलेश यादव जाते हैं तो हम भी जाएंगे, अखिलेश यादव नहीं जाते तो हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि मुसलमान वोटों पर उनका कब्जा है। ये एक दूसरे से होड़ लगी हुई है, मुसलमान वोटों के लेने की होड़ लगी हुई है, ये असली बात ये है। और बात ये अनुराग जी मैं लारी साहब से कहूंगा अपने धर्म के बारे में मैं आपकी नहीं मानूंगा, मैं बात मानूंगा आचार्य सत्येंद्र दास जी की, मैं सत्येंद्र दास जी की। आप कृपा करके ज्ञान मत दीजिए कौन किसकी पूजा करता था, आप बुद्ध प्रस्थी करेंगे मुझे बीच में मत बोलिएगा। हमारे बहुत छोटी बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति है आपको जब यही नहीं मालूम है कि भगवान राम जो है भगवान जो है शिव की पूजा करते थे और आपने भगवान शिव को इनका द्वारपाल बना दिया। लाली साहब एक मिनट और अभिजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मसला ये लाली साहब की अपने धर्म को लेकर सबको ज्ञान है और धर्म के आधार पर अगर देखें तो बहुत सारे नियम और कायदे का कानून है, अगर उस पर चलकर देखा जाएगा तो बहुत सारी चीजें दूसरे डायरेक्शन में दूसरे धर्मों में भी चली जाएंगे। बहरहाल मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं, एक हेडलाइन का रुख कर लेते हैं उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। अयोध्या में बड़े आतंकी हमले का इनपुट, सूत्रों के मुताबिक नेताओं और अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं आतंकी, विशेष समुदाय को भड़का सकते हैं आतंकी, सुरक्षा एजेंसी का हाई अलर्ट। प्राण प्रतिष्ठा में जाने से कांग्रेस के इनकार पर बीजेपी का पलटवार, सुधांशु त्रिवेदी बोले कांग्रेस का राम विरोधी चेहरा सामने आया, बहिष्कार करना कांग्रेस की आदत, अपना माया मिलेगी ना राम। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश होगा मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट, सूत्रों के मुताबिक 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। अयोध्या से अहमदाबाद की सीधी उड़ान की शुरुआत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली शुभारंभ किया, पहला बोर्डिंग पास योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया, वाल्मीकि एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी। आज शाम 4:55 पर देखना ना भूलिए कविवर कुमार विश्वास के साथ अयोध्या से कण कण में राम, सिर्फ टाइम्स नाम नव भारत पर। तो देश का नंबर वन डिबेट शो आप देख रहे हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी जी, हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ लोकेश जिंदल, तारिक अहमद लारी और जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जुड़े हुए हैं, उनका रुख करें। अब मैं आपके पास आता हूं सिद्धार्थ यादव जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर इनकार कर रही है तो वो ये देखती है कि अगर राम मंदिर बन गया है पूरा और आने वाले समय में चुनाव है तो उस टाइम फ्रेम में पूरा माइलेज आप लोग ले जाएंगे, किसी तरह का कोई भी बंटवारा कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, यही वजह है कि वो अपना एक पर्टिकुलर वोट बैंक साधने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, मैं बहुत सहिष्णु होकर सबको सुन रहा था, एक बार भी मैंने किसी को नहीं टोका। मैं आग्रह करूंगा कि पूरा पैनल भी ऐसा ही बिहेव करे, जो नहीं करे उनके आप फेडर डाउन कर दीजिएगा ताकि कोई अभद्रता करने का मौका किसी को ना मिले। आज आपके डिबेट में दिख गया कि हमारा देश कितना सहिष्णु है, हम लोग कितने सेक्युलर हैं, कि हम अपने देश अपने धर्म की बात हम तारिक लारी जी से जाने, जगत गुरु दिनेश आचार्य जी से ना जाने। तारिक लारी जी बहुत बड़े विद्वान हैं और जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी ने तो हमेशा रोड़े अटकाए, हमेशा सामने खड़े रहे, गोलियां चलाई कार सेवकों पर। आज वो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो धर्म में जाना चाहते हैं और उनके ऐसे बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे बैठ करके हमें हिंदू धर्म समझाना चाहते हैं। पर छड़िए, बहरहाल वो बात नहीं है, बात तो ये है कि जिन्होंने इतिहास में खड़े होकर के भी राम मंदिर ना बने इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था और जो आज भी सीना चौड़ा करके कह रहे हैं, अभी क्या बोला स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि जो गोलियां चली थी कार सेवकों पे वो ठीक थी, जो लोग आज भी सीना चौड़ा खड़े होकर के कह रहे हैं कि ये जो राम के साथ खड़े हुए जितने लोग हैं, ये भारत की जितनी जनता है जो इतने वर्षों बाद अपनी इस कल्चरल एथोस को, अपनी इस भारतीयता को वापिस उस पर गर्व के साथ महसूस करके भारत को बड़ा बनाना चाहती है, हम तो इनके विरोध में रहेंगे।
क्योंकि हमारी राजनीति तो दूसरी है। अरे हमें तो एक वोट बैंक को कब्जाने की कोशिश करनी है, ये तो वो भी भूल गए कि वो वोट बैंक भी आज राम नाम में उसमें लीन हो चुका है, राममय हो चुका है। अगर 10 करोड़ शौचालय बनते हैं तो 3 करोड़ उन्हीं के हैं, अगर घर पे सर पे छत आ रही है तो 40% मुसलमान समाज के हैं, पर उसमें भी एक कट्टरपंथी वर्ग है, एक छोटा वर्ग है जिसको एक खुश करना चाहते हैं। पर मैं आज अनुराग जी आपके शो पे एक बात करता हूं कि क्या राजनीति राम से बड़ी है? आज जब इतने वर्षों बाद एक यात्रा पूरी होने जा रही है, आप न्योता छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल माइलेज छोड़ दीजिए जो आपने पूछा, अरे आपको अवसर मिला था राम मंदिर में आने का, आप उसको क्यों ठुकराते हैं? आप आइए खड़े हुए, वो कहते हैं हम अपना कैरेक्टर नहीं बदलेंगे सर, वो कहते हैं हम अपना कैरेक्टर नहीं बदलने वाले। तो कैरेक्टर क्या, सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या, वो सिर्फ इस पर परिभाषित करते हैं कि एक वर्ग संतुष्ट रहे तो ये सेक्युलरिज्म है, दूसरे वर्ग की तरफ ये नहीं जा सकते। यही बिल्कुल बात है अनुराग जी, यही तो कैरेक्टर है। पर फिर पूछना चाहिए कि कई बार चुनावों में क्यों जिन्हें याद आता है, फिर क्यों याद आता है आपको बार बार मंदिरों में जाके हाथ जोड़ना, सब कुछ राजनीति के लिए। अरे कैरेक्टर है तो भारत के कैरेक्टर से जुड़िए, और भारत के कैरेक्टर के ठीक है लोकेश भाई, लोकेश भाई इसीलिए आप लोगों पर आरोप लगते हैं और गिरिराज सिंह जैसे नेता उठकर कह देते हैं कि आप लोग सीजनल हिंदू हैं, क्योंकि जब मौका होता है तो आप लोग बायकॉट कर देते हैं इस तरह के इवेंट्स का। देखिए अनुराग जी, हिंदू धर्म को का राजनीतिक उपयोग एक इतना खतरनाक प्रयोग है जो आज के राजनेता जैसे व्यक्ति है अपनी जेश जी, कि जो केवल चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इस धर्म को का राजनीतिकरण करके इसको प्रयोग करके किसी तरह से सत्ता मिल जाए। प्रवक्ता है कि तुमने जाना नहीं है मंदिर, तुमने आज तक धर्मों का विरोध किया, हर जगह विरोध किया, जहां भी हुआ। अगर आज शंकराचार्य की बात पर ध्यान दे रहा हूं, तो शंकराचार्य जी से या कोई गुरु महागुरु जिन्होंने अपना जीवन धर्म के लिए दिया, अवनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मुझे सिर्फ 10 सेकंड का वक्त दीजिए लोकेश भाई, सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे बताइए कि अगर ये महंत कह देंगे कि राम मंदिर में सब कुछ ठीक है तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी उठकर चली जाएंगी क्या? जी बिल्कुल, महंत अपने तरफ से कह दें कि ये जो विधि अनुसार जो है ये धार्मिक उत्सव है, धार्मिक पर्व है, तो बिल्कुल इसमें क्या क्या विपत्ति होगी। चलिए ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोकेश जिंदल जी देश कहीं जा रहा है, वो भी वक्त आएगा जब सब जाएंगे तो मैं देखूंगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जाते हैं कि नहीं जाते। अब नीतीश जी, लोकेश भाई मेरे पास बहुत बहुत लिमिटेड वक्त है, लोकेश भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास केवल 2 सेकंड में, प्लीज जल्दी कर लीजिए जल्दी। देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा, मैं आ रहा हूँ नीतीश जी इसके बाद आ रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का जो है, प्राण प्रतिष्ठा का जो आदर है, ये संत महंत जिन्होंने धर्म के लिए, ठीक है मैं समझ गया लोकेश भाई, देश समझ गया आपको। लाली साहब मैं आ रहा हूँ, अवनीश जी एक बहुत छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं लाली साहब के पास जाता हूँ, वक्त लिमिटेड है। अवनीश जी मुझे बताइए कि चुनाव में सीजनल हिंदू होने वाले लोग इतने बड़े इवेंट में जब कांग्रेस पार्टी को इस चेहरे के साथ देखेंगे और वापस वोट मांगने अगर कांग्रेस पार्टी उसी स्वरूप में जाएगी तो क्या भरोसा करेंगे क्या? आज 15% की 20% की सोच लें, लेकिन वो 80% क्या वापस भरोसा करेगा क्या? अनुराग जी बड़ी साफ सी बात है, आपने कहा धर्मा चाहे कहेंगे कांग्रेस पार्टी चिंता ये जो है वो कहेगा नहीं जाना, हर चीज में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, टेंट में बैठे रहने चाहिए। लोकेश जिंदल देख लो, नेपाल से आए हुआ आदमी कह रहा है कि आज हमारी बहन महल में जा रही है, हमारे भाई का घर बन रहा है। भावनाओं को देखो, तुम कह रहे हो कि धर्माचार्य, तुमने धर्माचार्य की बात मानी है, तुम लोग ठीक है। लारी साहब मैं आखिर में आ रहा हूं आपके पास, आपने धर्म को लेकर बहुत ज्ञान दिया सर, अच्छा लगा मुझे। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये धर्म का ज्ञान सिर्फ टीवी पर बैठ के देने के लिए या स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कुछ समझाएंगे? देखिए किसी इंडिविजुअल की बात मैं नहीं करता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली। सर सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि आप लोगों को डर लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य से, इसलिए बोल नहीं पाते धर्म के मामले में उनसे। एक मिनट, पहले पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए।
मैं किसी को भी धर्म का ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपना धर्म जानता ही हूँ, लेकिन मैं सनातन सीख रहा हूँ जिसके लिए मेरे गुरु है आचार्य अवधेश, जो चाहते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ, और जो वो बताते हैं मैंने उसको आपको बताया, मैं अभी कुछ 2% सनातन सीखा हूँ। सर मैं एक एक एडवाइस के साथ इस चर्चा को खत्म करता हूँ। देखिए सर, अगर आप सनातन को सीखना चाह रहे हैं, सिर्फ मेरी इतनी सी एडवाइस मानिए कि सिर्फ एक धर्म गुरु तक मत रहिए, सनातन के कई पहलू हैं और उस सारे पहलुओं को देखिए और समझिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें देश में हर तरफ राम नाम की गूंज है। हर शख्स ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है, लेकिन कांग्रेस ने इसका हिस्सा होने से इनकार कर दिया। आज ऑनलाइन पोल के लिए इसी मुद्दे से जुड़ा सवाल आपके सामने, प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने से कांग्रेस के फैसले पर आपकी क्या राय। पहला विकल्प है ए आत्मघाती कदम, दूसरा विकल्प है ये कांग्रेस का साहसिक फैसला है। आपकी जो भी राय, आप हमें @times नाम नवभारत को टैग करते हुए # क्या कांग्रेस राम विरोधी के साथ आप हमें इसका जवाब दें। आपकी राय को लगातार हम अपने चैनल पर दिखाते रहेंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी।